अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्विंकल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बात से परेशान है कि आपकी फ्रिज अक्सर औकात खराब हो जाती है, ठीक है, या उसका कभी कंप्रेसर जल जाता है या वो कूलिंग नहीं सही करी, तो फ्रेंड्स अगर आप इस बात से परेशान है तो ये वीडियो आज की सिर्फ आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस परेशानी से निकलना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसका सलूशन ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ सके, आपको गाइडनेस प्रॉपर मिल सके। फ्रेंड, मैंने आज इसका सलूशन निकालने के लिए कि आपकी जो फ्रिज है मसला ना करे गर्मी में ज़्यादा और ख़राब ना हो उसका कंप्रेसर, उसके लिए मैंने ये एक कंप्रेसर मंगवा लिया, ठीक है, और ये मैंने फ़ैन मंगवा लिए दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनका जो मकसद होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, इनका जो अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो जो गर्मी बढ़ रही है और आपकी फ्रिज में कूलिंग में जो कमी आती जा रही है, तो फ्रेंड इसकी मेन वजह ये है कि जो इसका जो कंप्रेसर होता है फ्रिज का, गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये जो है कंप्रेसर इसका हीटअप होना शुरू हो जाता है, तो ये बार बार ट्रिप करता है, ठीक है। ट्रिप करने की वजह से है कूलिंग भी कम होती है, ठीक है, और जो फ्रिज है आपकी वो बार बार बंद हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड आप फिर इस तरह उसको चेक करवाते हैं टेक्नीशियन को, टेक्नीशियन कहता है कि गैस कम है या इसका कंप्रेसर खराब हो गया, ठीक है। अक्सर बात ऐसा होता है कि आपकी फ्रिज में मसला होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, अभी मसला कर जाती है, ठीक है, लेकिन हर टाइम हर दफा ये नहीं होता कि आपकी कंप्रेसर का ही मसला हो। तो फ्रेंड आप देखिए, जिस तरह आपने फ्रिज भी उसको आपने रखा होता है किसी तंग जगह पर, जिस तरह के आप किचन में रख लेंगे, किचन में पहले ही बहुत ज्यादा हीट होती रहती है और कंप्रेसर हीटअप होकर बार बार बंद हो जाता है। तो फ्रेंड इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी फ्रिज को है जो हवादार जगह पर रखें, ठीक है, और उसके साथ ये फैन जरूर लगाएं। तो फैन, ये फैन इसलिए जरूरी है कि ये जो फैन है ये चलेगा, ठीक है, तो आपके जो फ्रिज चल रही होगी, फैन चलेगा तो आपके जो कंप्रेसर है उसको ये ठंडा रखेगा, इस वजह से आपकी जो फ्रिज है वो बार बार बंद नहीं होगी और ना ही आपका कंप्रेसर है जो जल्दी वो खराब होगा। तो फ्रेंड, दो किस्म के मैंने फैन है जो आज मैंने मंगवा लिए मार्केट से, ठीक है, मैं आपको इनका बता रहा हूँ। ये वाला फैन, ठीक है, जो ये है ये भी आपके कंप्रेसर के साथ लगता है, और ये भी, ये आप दोनों, अगर आपके पास डीप फ्रीजर है तो आप डीप फ्रीजर के साथ ये वाला फैन यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रिज है घर में तो आप फ्रिज के साथ ये फैन भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह कि आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है कि जिस तरह फैन लगाया हुआ है अपने फ्रिज के साथ, तो आप ये किसी भी टेक्नीशियन को बुलाकर, ठीक है, तो आप ये फैन लगवाएं अपने फ्रिज के साथ, जो आपका मसला करती है फ्रिज बार बार, इंशाल्लाह वो दोबारा मसला नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो फैन है ना, इसमें आपको मार्केट से दो किस्म के फैन मिलेंगे, एक होता है कॉपर वाइंडिंग में और एक होता है सिल्वर वाइंडिंग में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बेहतरीन मशवरा ये दूंगा कि आप हमेशा जब भी ये फैन लेने जाएं परचेज करें तो आप कॉपर वाइंडिंग में ही परचेज कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपको जो फैन है ये किसी भी जैसे की स्पेयर पार्ट्स की शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फैन नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया, व्हाट्सएप पर जाकर मेरे से कॉन्टेक्ट करें उस पर, ठीक है, हम आपको लाहौर के अंदर इसकी डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, उसके अलावा हम आपको ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ लाहौर के अंदर, अगर आपको किसी इलेक्ट्रिशियन की, उसके बाद आपको आपने अपनी फ्रिज सही करवानी है, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, तो फ्रेंड हम आपको इसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।